प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च 2024 को नागपुर मंडल के 10 स्थानों पर रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान डीआरएम मनीष अग्रवाल द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2024 को नागपुर डिवीजन के लिए वीडियो लिंक के माध्यम से 10 स्थानों पर विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। नागपुर मंडल में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए 10 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें नागपुर स्टेशन पर एक ओएसओपी का समर्पण होगा तो वहीं पांडुना स्टेशन पर एक ओएसओपी स्टॉल का लोकार्पण होगा, पुलगांव स्टेशन पर एक ओएसओपी स्टॉल का समर्पण होगा, बलाशाह स्टेशन पर चंद्रपुर और बलाशाह के ओएसओपी के लिए संयुक्त समारोह आयोजित किया गया है, बैतूल स्टेशन पर बैतूल और मुल्ताई के ओएसओपी के लिए संयुक्त समारोह होगा। इसके साथ ही मुकुटबंद स्टेशन पर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का समर्पण होगा। राजूर गुड्स शेड में राजूर न्यू गुड्स शेड का लोकार्पण किया जाएगा। सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। अगर आप देखेंगे, एक तो हमने अपनी लाइट्स, नॉर्मल लाइट्स चेंज कर दी, एलईडी बेस्ड लेकर आए। जो मेजर चेंज हम लोगों ने किया है उसमें एक कंसेप्ट होता है एचओजी लोको का, हेड ऑन जनरेशन, जहाँ पर लोकोमोटिव में ही इलेक्ट्रिसिटी, जो ऊपर कैटनरी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो ही कोचेस को लाइटिंग के लिए दी जाती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी पावर कार्स चल रही हैं, जिसके अंदर डीजी सेट होता है, वो बेसिकली करंट जनरेट कर रहा है ट्रेन को फीड करने के लिए। तो रेलवे ने डीजी सेट्स हटाने के बाद एचओजी लोकोज शुरू किए। अब एचओजी लोकोज की अवेलेबिलिटी अभी थोड़ी सी लिमिटेड है, 100% एचओजी हम लोग नहीं कर पाए हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी मेजर ट्रेन्स आर नाउ रनिंग विद एचओजी लोकोज। तो ये एक मेजर स्टेप है। उसके बाद अगर आप देखें, हम लोगों ने एक्सटर्नल एजेंसी से सर्टिफिकेशन लिया है बहुत से स्टेशंस पे, जिसमें हम एक एनर्जी ऑडिट करते हैं, एनुअली एनर्जी ऑडिट करते हैं, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि पिछले साल हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की थी और इस साल हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज आवर एफर्ट इज़ ऑलवेज टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन विच इज़ हैपनिंग इन द रेलवेज। तो ये सब एक्चुअली बेनिफिट है। और अब तो कार्बन, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कार्बन रेटिंग कार्बन एक्सचेंज पे यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है, बट ये कंसेप्ट तभी आया था कि आप जितनी एनर्जी रिड्यूस करेंगे उसको कार्बन क्रेडिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी का पार्ट। तो वही खापरी स्टेशन पर वर्धा नागपुर तीसरी और चौथी नई लाइन का लोकार्पण होगा। सेवाग्राम स्टेशन पर वर्धा बलाशाह तीसरी नई लाइन का लोकार्पण किया जाएगा। तिगांव स्टेशन पर इटारसी नागपुर तीसरी नई लाइन का लोकार्पण होगा, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।